ठीक है, तो यह हो गया आपका कुछ हैलाइडों के सामान्य और आईपीएसी नाम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए कुछ उदाहरण दिए गए हैं इनको समझते हैं। उदाहरण नंबर 10.1 C5H11Br अणुसूत्र वाले 8 संरचनात्मक समायों की संरचना बनाइए। ठीक है, तो C5H11Br आपका यह अणुसूत्र है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इस आधार पे आपको आइसोमर बनाने हैं। ठीक है, 8 संरचनात्मक समावयवी का संरचना बनाना है और उसका आईपीएसी नाम लिखना है और उन्हें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ब्रोमाइडों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, C5H11Br अणुसूत्र वाले 8 संरचनात्मक समायों की संरचना बनाइए। आईपीएसी पद्धति के अनुसार सभी समायों के नाम दीजिए और उन्हें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ब्रोमाइड के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखें, यह C5H11Br में यह आपका पहला समावयवी बनाया गया है, CH3CH2CH2CH2CH2Br। ठीक है, इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 5 कार्बन है और 11 हाइड्रोजन है, 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11 और एक ब्रोमीन है। ठीक है, तो C5H11Br से यह पहला स्ट्रक्चर आपका हुआ जिसे कहेंगे, ठीक है, 1 कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है तो 1 ब्रोमो पेंटेन, 5 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5 तो 1 ब्रोमो प्रोटेन पेंटेन। ठीक है, यह पहला समावयवी हो गया जो प्राथमिक है। दूसरा है, यह ब्रोमीन पहले कार्बन से जुड़ा है, अब इस ब्रोमीन को दूसरे कार्बन से जोड़ दीजिए। ठीक है, तो दूसरा समावयवी मिल जाएगा, 2 ब्रोमो पेंटेन सेकेंडरी। ठीक है, अब इसी ब्रोमीन को तीसरे कार्बन से जोड़ दीजिए तो 3 ब्रोमो पेंटेन मिल जाएगा आपका। ठीक है, जो फिर सेकेंडरी होगा, तो 3 समावयवी मिल गए आपको। अब जो है ब्रांच बनाइए, जैसे यह आप देख रहे हैं चौथे में CH3 twice CH CH2 CH2 Br। ठीक है, तो यह आप यहाँ पे ब्रांचिंग किए हैं, जैसे इस तरह से CH3 twice CH CH2 Br। ठीक है, तो यहाँ पे इस CH से 2 CH3 आप जोड़ दिए हैं, CH3 twice और CH। ठीक है, CH3 twice हो गए CH से, उसके बाद CH2 CH2 Br। नाम इसका 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 नंबर से ब्रोमीन जुड़ा है तो 1 ब्रोमो 3 मेथिल। ठीक है, 3 से मेथिल जुड़ा है तो 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। यह आपका प्राइमरी है, ठीक है ना, प्राथमिक है, और इसका आईपीएसी नाम हो गया 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। पांचवा जो आपका आइसोमर होगा तो यह होगा आपका CH3 twice CH CH Br CH3। ठीक है, तो यह CH3 twice है, इस CH से 2 बार CH3 जोड़ दिए, उसके बाद CH और इससे ब्रोमीन जोड़ दिए और CH3। ठीक है, अब यहाँ पे यह ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा है, इधर भी R ग्रुप है, इधर भी R ग्रुप है, अर्थात यह द्वितीयक होगा। अब इसका नाम अगर देखा जाए तो 1 2 3 4, 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला मिल रही है, दूसरे नंबर पे आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो यह हो गया आपका 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 3 मेथिल ब्यूटेन। आईपीएसी नाम इसका हो गया 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, अब आपका छठवां आइसोमर जो है वो है आपका CH3 twice CBr CH2 CH3, यह होगा। ठीक है, तो CH3 twice CBr, तो इस कार्बन से 2 CH3 जुड़े हुए हैं और इसी से ब्रोमीन भी जुड़ा हुआ है, उसके बाद CH2 CH3। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे हैं यह ब्रोमीन जो है इस कार्बन से जुड़ा है, इससे R ग्रुप इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तीनों तरफ है, इसलिए यह तृतीयक हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? तृतीयक हो जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा? तो 1 2 3 4, दूसरे नंबर ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो, नीचे मेथिल जुड़ा है, 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, तो इसका आईपीएसी नाम हो गया 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन और यह क्या है? तृतीयक है। ठीक है, अब सातवां आइसोमर देखते हैं C5H11Br का, ये देखें CH3CH2CH CH3CH2Br। ठीक है, तो यह होगा स्ट्रक्चर CH3CH2CH, यह CH3 से जुड़ा हुआ है और CH2Br। 1 2 3 4 काउंटिंग करें, 2 नंबर से
मिथाइल ग्रुप है और ऑनमर से ब्रोमीन ग्रुप है, तो 1-bromo-2-methyl-butane, तो इसका आईपीएससी नाम क्या हो गया, 1-bromo-2-methyl-methyl-butane, ठीक है, ये आपका सातवां आइसोमर हो गया, ठीक है। अब जो है आपका सात हो गया और लास्ट में आपका आठवां जो है CH3 thrice CCH2 Br है, CH3 thrice CCH2 Br, ठीक है, देखे ध्यान से, यह है आपका आठवां CH3 thrice CCH2 Br। इसका आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो CH3, ठीक है, थ्राइज हो गए, यह CH3 तीन बार हो गया इस सी से, और उसके से CH2 जुड़ा है और ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ठीक। 1, 2, 3 ये नंबरिंग कर लिए, तो 1-bromo-1 नंबर से ब्रोमीन जुड़ा है, 1-bromo-2 से मेथिल ऊपर भी है नीचे भी है, तो 1-bromo-2-2-dimethyl-propane, ठीक है, नाम क्या हो गया, 1-bromo-2-2-dimethyl-propane, ठीक है, और यह क्या है, प्राथमिक है, इस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है और इससे आर ग्रुप जुड़े हुए हैं इधर, यह प्राथमिक हो गया और इसका आईपीएससी नाम हो गया 1-bromo-2-2-dimethyl-propane, ठीक है। यह था आपका C5H11Br का 8 आइसोमर और उन्हें प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक ब्रोमाइड में वर्गीकृत करना। अब है आपका उदाहरण 10.2। 10.2 में आपको आईपीएससी नाम लिखना है, ठीक है, यहाँ पे आईपीएससी नाम लिखना है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपको आईपीएससी नाम लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखे ध्यान से, पहला है आपका CH3C(CH), ठीक है, CH CH3 Br, ठीक है, तो इसमें दो बंद है और हैलोजन भी है, इसमें दो बंद भी है और हैलोजन भी है, तो गिनती किधर से करेंगे, जिधर से दो बंद नजदीक पड़ता हो, ठीक है, तो प्राथमिकता किसको देना है, दो बंद को देना है, ठीक है, तो गिनती जो है यहां से करेंगे, तो 1, 2, 3, 4 चौथे कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, 1, 2, 3, 4 चौथे पे ब्रोमीन जुड़ा है, ठीक है, और यह पांच कार्बन की लंबी श्रृंखला मिल रही है, 1, 2, 3, 4, 5 पांच कार्बन की लंबी श्रृंखला है और चौथे पर ब्रोमीन जुड़ा है, तो नाम हो जाएगा 4-bromo-pent, ठीक है, 4-bromo-pent, और दूसरे नंबर पे डबल बंद है 2-ene, ठीक है, तो 4-bromo-pent-2-ene, इसका आईपीएससी नाम हो गया। दूसरे वाले का अगर देखा जाए, ठीक है, तो इसका जो है काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4 चार कार्बन की लंबी श्रृंखला है और ब्रोमीन किस नंबर पर जुड़ा है, 1, 2, 3 नंबर वाले कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा 3-bromo, ठीक है, 3-bromo और 2 नंबर से मेथिल जुड़ा है, यह 3-bromo-2-methyl-but-1-ene, ठीक है, 3-bromo, 1, 2, 3 तीन नंबर से ब्रोमीन है, इसलिए 3-bromo, ठीक है, 2 नंबर से मेथिल ग्रुप है, यह 2-methyl-but-1-ene, तो 3-bromo-2-methyl-but-1-ene, यह दूसरे का नाम हो गया। तीसरे वाले का नाम क्या होगा, तो तीसरे वाले का नाम देखें, काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 ये पांच कार्बन की लंबी श्रृंखला है, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 पांच कार्बन की लंबी श्रृंखला है, ठीक है, दूसरे वाले कार्बन पे दो बंद है, ठीक है ना, और चौथे कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तीसरे कार्बन से 1, 2, 3 तीसरे कार्बन से मेथिल जुड़ा हुआ है, तो आप इसका नाम लिखेंगे 4-bromo, ठीक है, 1, 2, 3, 4 4-bromo-3-methyl, ठीक है, 4-bromo-3-methyl-pent-2-ene, क्योंकि 1, 2 नंबर से दो बंद है इसलिए 2-ene, इसका नाम हो गया आईपीएससी 4-bromo
थ्री मेथिल पेंट, ये पांच कार्बन की श्रृंखला, पेंट टू इन। अब इसमें आ जाइए चौथे में, चौथे में आप काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो आप देखें ध्यान से, लंबी श्रृंखला आपको मिलनी चाहिए, वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन की लंबी श्रृंखला मिल रही है। इधर से अगर गिनेंगे वन टू, दूसरे नंबर पे आपका दो बंद आ रहा है, इधर से आप गिनेंगे तो वन टू, दूसरे नंबर पे दो बंद आ रहा है, ठीक है ना। तो इधर से गिन रहे हैं तभी वन टू, दूसरे नंबर पे दो बंद आ रहा है, और इधर से गिन रहे हैं तो दूसरे नंबर पर दो बंद आ रहा है। तो गिनती किधर से करेंगे, ठीक है, जिधर से दो बंद नज़दीक हो, तो दोनों तरफ से दूसरे नंबर पे आ रहा है तो इधर से ही कर लेते हैं। तो वन ब्रोमो, ठीक है ना, वन ब्रोमो और टू नंबर पे मेथिल है, तो वन ब्रोमो टू मेथिल, कितने श्रृंखला आ रही है, चार कार्बन की, वन टू थ्री फोर, चार कार्बन की आ रही है, तो ब्यूट टू इन, ठीक है, वन ब्रोमो टू मेथिल ब्यूट टू इन। अब इसमें आ जाइए पांचवे में, तो वन टू थ्री फोर, वन टू, तो दो नंबर पे इसमें दो बंद आ रहा है, इधर से गिन रहे हैं तब भी, इधर से गिन रहे हैं तब भी, दो नंबर पे आ रहा है तो इधर से गिन लेते हैं। तो वन ब्रोमो, ठीक है ना, वन ब्रोमो, कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला, वन टू थ्री फोर, चार कार्बन की, तो वन ब्रोमो ब्यूट टू इन, एक दो, दूसरे नंबर पे दो बंद आ रहा है, ठीक है, तो नाम हो गया इसका वन ब्रोमो ब्यूट टू इन। अब आ जाइए लास्ट छठवे में, ठीक है, तो इधर देखते हैं वन टू, दूसरे नंबर पे दो बंद आ रहा है, इधर से गिनेंगे तो पहले नंबर पे दो बंद आ रहा है, तो इधर से गिनेंगे आपको, इधर से पहले आ जाए तो पहले नंबर पे दो बंद आ रहा है, तो काउंटिंग इधर से होगी, तो वन टू थ्री, तीन नंबर पे ब्रोमीन आ रहा है, ठीक है, तो थ्री ब्रोमो टू मेथिल, ये दो नंबर वाले कार्बन से मेथिल जुड़ा है, तो थ्री ब्रोमो, ठीक है, टू मेथिल प्रोपीन, ठीक है, एक दो तीन, प्रोपीन वन कह सकते हैं, पहले कार्बन से दो बंद है, या फिर नहीं भी लिख सकते हैं वन को, तो थ्री ब्रोमो टू मेथिल प्रोपीन, यह छठवें का नाम हो गया, थ्री ब्रोमो टू मेथिल प्रोपीन, ठीक है। अब जो है आपका यह पाठ्य निहित क्वेश्चंस हैं, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना लिखिए, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना लिखिए, इंटेक्स क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो पहला है आपका टू क्लोरो टू मेथिल पेंटेन, ठीक है, टू क्लोरो टू मेथिल पेंटेन, इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो आइए देखते हैं ध्यान से, ध्यान से देखें इंटेक्स क्वेश्चन को। पहला है आपका यह टू क्लोरो थ्री मेथिल पेंटेन, ठीक है, इसको ध्यान से समझें, टू क्लोरो थ्री मेथिल पेंटेन, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो आप देख रहे हैं कि पांच कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी, पेंटेन है इसलिए जो है आप पांच कार्बन बना लिए, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन हो गए। टू क्लोरो, दूसरे नंबर पे क्लोरीन होगा तो दूसरे नंबर पे आपने क्लोरीन लिख दिया। थ्री मेथिल, तीसरे नंबर कार्बन से मेथिल जोड़ दिया, ठीक है। अब जो है हाइड्रोजन जो है आप बैलेंस में कंप्लीट कर दीजिए, इसके जो पास एक बंद है या तीन हाइड्रोजन होंगे, इस कार्बन के पास दो बंद है तो दो हाइड्रोजन होंगे, इस कार्बन के पास तीन बंद है तो एक हाइड्रोजन होंगे, इस कार्बन के पास जो है तीन बंद है तो एक हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, इस कार्बन के पास एक बंद है तो तीन हाइड्रोजन होंगे, इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यह आपका जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, यह स्ट्रक्चर किसका है, टू क्लोरो, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, तो दूसरे नंबर क्लोरीन है तो टू क्लोरो थ्री मिथाइल पेंटेन, ठीक है, तो टू क्लोरो थ्री मिथाइल पेंटेन का यह स्ट्रक्चर है। दूसरा दिया गया है आपके प्रश्न में, टू क्लोरो फोर एथिल साइक्लोहेक्सेन बनाइए, टू क्लोरो फोर एथिल साइक्लोहेक्सेन का फिगर बनाना है, ठीक है, वन क्लोरो, तो पहले साइक्लोहेक्सेन का फिगर बना लिए, छह कार्बन का हेक्सेन हो गया, ठीक है, वन क्लोरो, तो वन नंबर पे क्लोरीन, ठीक है, अब फोर नंबर पे एथिल, तो इसके फोर नंबरिंग कर लें, वन टू थ्री फोर, तो फोर नंबर पे एथिल जोड़ दिए, सी टू एच फाइव, ठीक है,
फाइव सिक्स, यह हो गया आपका वन क्लोरो फोर एथिल और ये साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तृतीयक फोर तृतीयक ब्यूटिल थ्री आयडोहेप्टेन। ठीक है, फोर तृतीयक ब्यूटिल थ्री आयडोहेप्टेन। तो तीन नंबर वाले कार्बन से, ठीक है ना, यह हेप्टेन है पहले, हेप्टेन मतलब सात कार्बन की लंबी श्रृंखला होनी चाहिए, तो सात कार्बन की एक लंबी श्रृंखला बना लीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सात कार्बन हो गए। ठीक है, और उसके बाद चार नंबर वाले कार्बन से तृतीयक ब्यूटिल जुड़ा हुआ है, चार नंबर वाले कार्बन से क्या जुड़ा है, तृतीयक ब्यूटिल जुड़ा हुआ है। ठीक है, और तीन नंबर वाले कार्बन से आयोडीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो काउंटिंग कर लें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन कार्बन हो गए। तो तीन, ठीक है, तीन नंबर वाले कार्बन से आप आयोडीन जोड़ दिए और चौथे नंबर वाले कार्बन से ब्यूटिल जोड़ दिए, तो यह चौथा नंबर वाला कार्बन है, इसे आपने ब्यूटिल जोड़ दिया। अब वह ब्यूटिल कैसा है, तृतीयक है, तो इधर भी इस कार्बन से आर ग्रुप इधर है, आर ग्रुप इधर है, आर ग्रुप नीचे है, तो यह तृतीयक ब्यूटिल हो गया। ठीक है, यह तृतीयक ब्यूटिल किससे जुड़ा है, चौथे कार्बन से, तो फोर तृतीयक ब्यूटिल थ्री आयडो, तीन नंबर वाले से क्या है, आयडो, आयोडीन जुड़ा हुआ है, आयडो, और सात कार्बन की लंबी श्रृंखला है तो हेप्टेन हो गया। ठीक है, तो यह स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हुआ, फोर तृतीयक ब्यूटिल थ्री आयडो हेप्टेन का यह स्ट्रक्चर है। अब आया अगला आपका है वन फोर डाई ब्रोमो ब्यूट टू इन, वन फोर डाई ब्रोमो ब्यूट टू इन, तो चार कार्बन की श्रृंखला है, ब्यूट है। ठीक है, और पहले और चौथे पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो ये आप चार कार्बन बना लिए, वन टू थ्री फोर, तो पहले कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है और चौथे कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है, वन टू थ्री फोर, नंबरिंग हो गया, पहले कार्बन से ब्रोमीन जोड़ दिए, चौथे कार्बन से आप ब्रोमीन जोड़ दिए। ठीक है, ब्यूट चार कार्बन का हो गया, टू इन दूसरे वाले नंबर कार्बन पे दो बंद होगा, तो वन टू, तो यह दूसरे नंबर वाले कार्बन पे आपने दो बंद बना लिया। ठीक है, तो यह हो गया आपका वन फोर डाई ब्रोमो ब्यूट टू इन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पांचवा वन ब्रोमो फोर द्वितीयक ब्यूटिल। ठीक है, टू मेथिल बेंजीन, तो आपका बेंजीन है, बेंजीन रिंग हो गया। ठीक है, वन नंबर से ब्रोमीन जुड़ा होगा, तो यह बेंजीन रिंग के वन नंबर से आप ब्रोमीन जोड़ दिए। ठीक है, और उसके बाद टू मेथिल, दूसरे नंबर से आपने मेथिल जोड़ दिया। ठीक है, तो वन से ब्रोमीन हो गया, दो नंबर से मेथिल हो गया बेंजीन में, और जो है फोर नंबर पे द्वितीयक ब्यूटिल जुड़ा हुआ है, यह आपका द्वितीयक ब्यूटिल हो गया, यह कार्बन हुआ, इससे यह ग्रुप आर ग्रुप और इधर भी आर ग्रुप जुड़ा है, इसलिए यह सेकेंडरी ब्यूटिल हुआ, अगर तीन आर होते तो तृतीयक ब्यूटिल होता। ठीक है, तो यह आपका द्वितीयक ब्यूटिल है, जो किससे जुड़ा है, बेंजीन के चौथे कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, तो चौथे कार्बन से, ठीक है, यह जोड़ दिए, तो फोर द्वितीयक ब्यूटिल हो गया, टू पे मेथिल जोड़ दिए, वन पे ब्रोमीन जोड़ दिए, अब इसका नाम क्या होगा, तो वन ब्रोमो, ठीक है, वन ब्रोमो फोर तृतीयक ब्यूटिल टू मेथिल बेंजीन, वन ब्रोमो फोर द्वितीयक ब्यूटिल टू मेथिल बेंजीन। ठीक है, यह आपका पांचवा था। तो यह आपके पांचों इंटेक्स क्वेश्चन थे, पाठ्यनिहित प्रश्न थे, जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो है आपका, मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताएंगे, हम तीन क्वेश्चन जो हैं आपके, पहले दूसरे और तीसरे, इन तीनों क्वेश्चन को एक्सरसाइज के हम सॉल्व कराएंगे, उसके बाद जो है आपका दसवें हेडिंग की तीसरी टॉपिक शुरू होगी, सीएक्स आबंध की प्रकृति। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।